अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास वन के सब्जेक्ट एसएसटी के लेक्चर सेवन में आपको पेज नंबर 22 की रीडिंग रिवाइज करनी है और उसके साथ आपको वर्ड मीनिंग कॉपी में राइट करके उनको लर्न करना है। रीडिंग में आपके लिए रिवाइज करूंगी बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आपके लिए रीडिंग की थी, फिर से मैं रिवाइज करूँगी, आपने इसको फॉलो करना है। वेयर वी लिव, हम कहाँ रहते हैं, हाउसेस, घरों में। अनम हैज़ अ हाउस फॉर हर डॉल्स, अनम के पास घर है उसकी गुड़ियों के लिए। हेयर इट इज़, उसकी पिक्चर ये है और उसके ये मुख्तलिफ रूम्स हैं, ऑलमोस्ट 3 रूम्स। वी ऑल नीड अ प्लेस टू लिव इन, हमें ज़रूरत होती है जगह की जहाँ हम रह सकें। द प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड आर होम, वो जगह जहाँ हम रहते हैं वो हमारा घर कहलाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 23 की भी रीडिंग बेटा आप इसी वीडियो में देखें और इसको भी लर्न कर लें। होम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, घर मुख्तलिफ किस चीज़ों से मिलकर जो है बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ उसके लिए मवाद इस्तेमाल होता है। सम आर मेड ऑफ मड, पिक्चर में आप देखें कि ये मिट्टी से घर बने हैं, मड से घर बने हैं, जैसे गांव में घर मिट्टी से बनाए जाते हैं। सम आर मेड ऑफ ब्रिक्स, और कुछ घर जो होते हैं वो ईंटों से, सैंड रेत से, एंड सीमेंट, और सीमेंट के मटेरियल को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। सम आर मेड ऑफ वुड एंड स्ट्रॉ, और सम कुछ जो घर हैं वो लकड़ी से और जो तिनके हैं उनसे मिलाकर बनाए जाते हैं। सम हैव पार्ट्स मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल, और कुछ जो घर हैं उनके अंदर शीशा और मेटल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद बेटा आपने यूनिट नंबर 3 वेयर वी लिव के वर्ड मीनिंग कॉपी में राइट करने हैं। पहला जो वर्ड है लिव, रहना, नीड ज़रूरत, होम हाउस घर को कहते हैं, मड मट्टी, ब्रिक्स ईंटे। जी बेटा आपने इस तमाम काम को अच्छे तरीके से कॉपी में राइट करके इसको लर्न कर लेना है।